नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मौसम सुहाना हो या गर्मी का या सर्दी का, घूमने का मजा तो हर जगह और हर इंसान के साथ अलग अलग होता है। अब बात हो रही है घूमने की, तो कर्नाटक जैसी खूबसूरत जगह को हम मिस कैसे कर सकते हैं। आज बात करते हैं बादामी के बारे में। बादामी कर्नाटक राज्य की एक बेहद खूबसूरत जगह है। यहाँ के मंदिर, इटलाते झरने, पत्थर सब आपको मंत्रमुग्ध कर देते हैं। हर साल यहाँ पे बड़ी संख्या में देश विदेश से पर्यटक घूमने आते हैं। आज जानते हैं यहाँ की देखने लायक जगहों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे बादामी गुफा मंदिर के बारे में। बादामी मुख्य रूप से अपने गुफा मंदिरों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर चार अलग अलग मंदिर स्थित हैं और हर मंदिर में उकेरी गई कला इसे सुंदरता प्रदान करती है। बादामी गुफा मंदिर विशाल बलुआ चट्टानी संरचनाएं हैं, जिन्हें देखकर प्रकृति की अद्भुत लीलाओं के प्रति मन नतमस्तक हो जाता है। इन चट्टानों को मानव श्रम ने और भी आकर्षक स्वरूप में ढलने लायक बना दिया। चट्टानों को उकेर कर बनाई गई नक्काशीदार संरचनाएं देखने लायक है। इन मंदिरों में चालुक्य वास्तुकला को करीब से समझा जा सकता है। अब बात करते हैं भूतनाथ समूह के मंदिर के बारे में। अगस्त्य झील की तरफ मुंह करके खड़े दो मंदिर भूतनाथ मंदिर समूह कहलाते हैं। ये बादामी की आकर्षक संरचनाओं में गिने जाते हैं। इन मंदिरों का निर्माण बादामी चालुक्य के शासनकाल के दौरान करवाया गया था। ये मंदिर भगवान शिव के अवतार भूतनाथ को समर्पित है। झील के किनारे बसा ये मंदिर कर्नाटक पर्यटन को खास बनाने का काम करता है। मंदिर की आंतरिक संरचना और भारी मंडल देखने लायक है। यहाँ के खूबसूरत नजारे आप मानसून के वक्त देख सकते हैं। इस दौरान यहाँ अस्थायी झरने फूट पड़ते हैं, जो इस पूरी जगह को अद्भुत पर्यटन स्थल में बदल सकते हैं। अब बात करते हैं ऐहोल के बारे में। जो पर्यटक बादामी जाते हैं, वे वहां से एक दिन का कार्यक्रम बनाकर ऐहोल भी जरूर जाएं। ऐहोल को कर्नाटक की मंदिर राजधानी भी कहा जाता है। इस जगह चालुक्य काल के 125 से ज्यादा मंदिर हैं। ये जगह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जगह बनाने का दावा समय समय पर प्रस्तुत करती रही है। ऐहोल में दुर्गा मंदिर, लाड़खान मंदिर, रावण पहाड़ी गुफा मंदिर, होचीमल्ली मंदिर, मेगनगुड़ी समूह मंदिर, गौड़ा मंदिर और अन्य कुछ मंदिर प्रमुख हैं। बात करते हैं महाकूट मंदिर समूह के बारे में। बादामी के बाहरी हिस्से में महाकूट नामक छोटे गांव में महाकूट मंदिर समूह स्थित है। इन मंदिरों को देखना स्थापत्य कला के वैभव से रूबरू होने की तरह है। चट्टानों को काटकर मंदिरों के निर्माण का दर्शन यहां मंदिरों में देखा जा सकता है। इन मंदिरों में पारंपरिक द्रविड शैली और नागर शैली की विशेषताओं के दर्शन होते हैं। बात करते हैं मल्लिकार्जुन समूह का अद्भुत दृश्य के बारे में। बादामी पहाड़ियों के मध्य दो बड़े मंदिर समूह स्थित हैं, एक भूतनाथ और दूसरा मल्लिकार्जुन समूह। मंदिरों का मल्लिकार्जुन समूह यहाँ की झील के उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है। एक दूसरे के समीप स्थित यह मंदिर अपनी उत्कृष्ट वास्तुकला से पर्यटकों का ध्यान खींचते हैं। इस मंदिर का निर्माण चालुक्य के शासनकाल के दौरान 11वीं शताब्दी में करवाया गया था। अब बात करते हैं कुछ अलग टॉपिक के बारे में, वो है शॉपिंग से जुड़ी हुई। बादामी में शॉपिंग के लिए बहुत सारी चीजें नहीं है, लेकिन जो कुछ है उसमें भी यहाँ की कलात्मकता झलकती है। यहाँ चंदन और शीशम की लकड़ियों से बने छोटे स्मृति चिन्ह विशेष रूप से आकर्षक होते हैं। इसके अलावा यहाँ से पारंपरिक ज्वेलरी की खरीदारी भी की जा सकती है। यहाँ की साड़ियाँ भी खास तौर पर बहुत प्रसिद्ध है। अगर घर बैठे भी आपको कोई ऐसी जगह घूमना है जो आपकी बकेट लिस्ट में हो, तो हमें कमेंट करके या ईमेल करके जरूर बताएं। नमस्कार।